जोहार कौशल खबर स्वागत बरगड़े जय किसान आंदोलन स्वराज इंडिया रो नेता जोगेन्द्र यादव समता भवन रे साक्षात्कार सभा रे निजर वार्ता रखले सभा रे सांबादिक मानकर प्रश्नर उत्तर भी देले। जोगेन्द्र यादव स्वराज इंडिया रो राष्ट्रीय अध्यक्ष देश रो राजनीति रे जणे जणाशुणा चेहरा से जणे सेफोलोजिस्ट किंतु देश रो चासी मानकर संगे आर तांकर लागि सबु बेले काम करि आसीछन। से बरगड़ तांकर निजी काम रे आसीथिबार बेले जय किसान आंदोलन बरगड़ आरु बरगड़ समता भवन रे तांकर गुटे साक्षात्कार सभा रो आयोजन करा जितला जेन थिरे से आज राजनीति रो परिस्थिति उपरे निजर वार्ता रखिथिले आर से उपस्थित सांबादिक मानकर भी प्रश्नर उत्तर देथिले। हम अभी सीधा कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे जय किसान आंदोलन के अध्यक्ष साथी उत्पन्न भोई वो आएंगे और वो मंच संचालन करेंगे और जैसा कि तय किया गया है कि यह कार्यक्रम जो बरगढ़ शहर के पत्रकार मित्र हैं और हमारे संगठन के जो साथी हैं उनका हमारे साथियों के साथ एक मुलाकात भेंटघाट का कार्यक्रम सब लोग परिचित हैं। इस समय वो स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जय किसान आंदोलन के वो संस्थापक अध्यक्ष भी हैं और इस समय जय किसान आंदोलन जो कि देश भर में किसान आंदोलन को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण भूमिका ले रहा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक हैं साथी अभीक शाह जो कि कलकत्ता से हैं और बहुत जाने माने वकील भी हैं और उसी के साथ स्वराज इंडिया के जो सभापति मंडल है उसके एक प्रमुख सदस्य हैं डॉक्टर सोमनाथ त्रिपाठी और किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और समाजवादी आंदोलन से भी किशन पटनायक जी के साथ बहुत लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं। तो हम अभी समय की कमी के चलते मैं निवेदन करूंगा साथी योगेंद्र यादव वो अपनी बात रखेंगे पत्रकारों के सामने और हमारे साथियों के सामने जो देश की अभी राजनीतिक स्थिति किसान आंदोलन के सामने चुनौती इन विषयों पर ये वार्ता कार्यक्रम आगरू से समता भवन परिसर रे दुटा गज भी लगे थे। मेरे लिए बरगढ़ आना हमेशा एक सुख का एक बहुत बहुत पुरानी याद दिलाने वाला मौका रहता है। इस कमरे में तस्वीरों को मैं देख रहा था, किशन जी की तस्वीर है, सुनील भाई की तस्वीर है, नवकृष्ण चौधरी की तस्वीर है, भगत सिंह है, डॉक्टर अंबेडकर हैं, सब तस्वीरें। मेरे लिए बरगढ़ आना हमेशा अपने वैचारिक संस्कार ग्रहण करने की प्रक्रिया को याद करने का समय है, क्योंकि राजनीति में जो कुछ मैंने सीखा, ज्यादा नहीं सीख पाया लेकिन जो भी सीखा वो राजनीति शास्त्र से कम सीखा, किशन पटनायक से ज्यादा सीखा। वो एक फॉर्मल पॉलिटिकल साइंस भी हम पढ़ते रहते थे लेकिन राजनीति की शिक्षा लिंगराज जी को भी मुझे भी किशन जी ने दी। अभी 2-3 महीना पहले ही मैं किसान आंदोलन की दशा और दिशा पर किशन जी की लिखी पुस्तक को एक बार दोबारा पढ़ रहा था और मैं अपने दोस्त अभीक भाई को कह रहा था कि लगभग जो सवाल आज हमारे मन में आते हैं उन सब का उत्तर किशन जी ने 1980-85 में लिखे हुए उन लेखों में दिया है। यही एक गहरे विचार की ताकत है कि वो 25-30 वर्ष बाद भी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। कोई 30 वर्ष बाद देश में ऐसी परिस्थिति बनी है कि किसान देश की चर्चा के केंद्र में आया है। पिछली बार वही समय था जब किशन जी लिख रहे थे, 1987-88-90 ये वर्ष थे जब महेंद्र सिंह टिकैत के कारण, शरद जोशी के कारण, नंजुंडा स्वामी के कारण इस देश में किसान पे चर्चा थी। जब बोट क्लब में रैली हुई वो महान ऐतिहासिक रैली 1988 में, तो इस देश का पूरा तंत्र हिल गया था, सत्ता तंत्र हिल गया था। पहली बार इस देश में महसूस हुआ था कि किसान नाम की कोई चीज होती है इस देश में। लेकिन फिर
सत्ता के ऐसे खेल होते हैं कि एक साल के अंदर ही किसान गायब हो गया और चुनाव बोफोर्स के मुद्दे पे लड़ा गया, चुनाव किसान के मुद्दे पे नहीं लड़ा गया। 88 नवंबर में टिकैत की रैली है और 89 में देश में चुनाव था। एक साल में किसान गायब हो गया, बोफोर्स, भ्रष्टाचार, बीपी सिंह, ये सब आ गया। उसके बाद ये दूसरी घड़ी बनी है। आप देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, पिछले 40 दिन से इस देश में हर नेता की जुबान पे किसान है। हर सरकार कहती है हम किसान के लिए ये घोषणा कर रहे हैं। आज सुबह छत्तीसगढ़ में मैं था, रायपुर में, वहां मुख्यमंत्री के कुछ सलाहकार मुझे कह रहे थे कि नहीं नहीं हमने सिर्फ उतनी घोषणाएं नहीं की, ये 4 और घोषणाएं की, आप इसका भी लिखिएगा। तो पार्टियों में कॉम्पिटिशन हो रहा है, देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं, हम वो करेंगे, हम वो नहीं, उससे ज्यादा करेंगे। किसान का हितैषी कौन है ये बताने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है देश में पिछले 40 दिन में। ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे किसान की जो दुर्दशा है वो तो 40 साल से चल रही है। किसानी घाटे का सौदा है, ये बात तो हम 1980 के दशक में भी कहा करते थे, आज भी कहते हैं। उसके पीछे आज इस देश की सबसे घोर किसान विरोधी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार। इस देश के इतिहास में सबसे किसान विरोधी सरकार साबित हुई है। ये बात मैं तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर कहता हूं। इस विषय पर एक किताब भी मैंने लिखी है, ये प्रमाणित करते हुए कि एक एक मामले में ये देश की सबसे किसान विरोधी सरकार है। लेकिन केवल उस कारण किसान की चर्चा नहीं है। किसान का विरोध कई बार हुआ है, किसान के साथ धोखे कई बार हुए हैं, लेकिन इस बार कुछ अनूठा हुआ है। पिछले 2 वर्ष में इस देश के 200 किसान संगठन एक मंच पर आ गए, और अगर किसी एक व्यक्ति को मुझे उसका क्रेडिट देना हो कि उसने 200 संगठनों को इकट्ठा किया चुपचाप पीछे से, जैसे सरदार पटेल ने इस देश की 500-600 रियासत को इकट्ठा किया था, तो वो व्यक्ति मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं, भाई अभीक साहब। इन्होंने 200 किसान संगठनों को इकट्ठा किया। पहली बार देश के इतिहास में जमीन वाला किसान, सीमांत किसान और भूमिहीन किसान तीनों एक मंच पर आए। पहली बार महिला किसान के मुद्दे को किसान आंदोलन ने स्वीकारा। पहली बार दलित किसान की बात किसानों के मंच से हुई। पहली बार किसानों ने केवल विरोध नहीं किया, विकल्प प्रस्तुत किया। 2 कानून बनाए। पहले किसान जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो कहते थे। इस बार हमने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, हमने पूरा बिल बना दिया, संसद में सरकार की भाषा में बिल बना के, अंग्रेजी में भी बना दिया, बना के इनको पकड़ा दिया, संसद में पेश कर दिया। पहली बार देश के इतिहास में किसानों ने स्वयं कानून का मसौदा बना के रखा। और उसके बाद 2 ऐतिहासिक रैली हुई, एक पिछले वर्ष 21 नवंबर को यानी कि 2017 में, और एक इस साल 29 और 30 नवंबर को। तब जाके देश में माहौल बना। जब पूरा माहौल बन गया, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव का परिणाम आया, और जैसे हमारे कहते हैं इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। जब इंद्र का सिंहासन हिलता है तो सब चीजें अपने आप आगे चलनी शुरू हो जाती हैं। तो 11 दिसंबर को इंद्र का सिंहासन हिल गया और बस उसके बाद किसान 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 हो रहा है। तो क्या इसे किसान की जीत मान लें? नहीं। किसान का सवाल उठा है, अब उसको भटकाने की कोशिश हो रही है। भटकाने की क्या कोशिश? कि ये कर्ज माफी चाहते हैं, हम कर्ज माफी कर रहे हैं इनके लिए, ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। किसान नहीं जा रहा,
किसान नहीं कह रहा कि मेरे को कर्ज माफी कर दो, केवल नेता कह रहे हैं, पार्टियां कह रही हैं, सरकार कह रही है, किसान के मुंह खोलने से पहले उसको कह रहे हैं तुम्हें कर्ज माफी चाहिए ना, हम करेंगे। किसान को केवल कर्ज माफी नहीं चाहिए, उसे कर्ज से मुक्ति चाहिए और उसे अपनी फसल का पूरा दाम चाहिए, कानूनी गारंटी के साथ चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, किसान की पहली मांग कर्ज की नहीं है, पहली मांग उसकी आय की है। जिस व्यक्ति के पास आय नहीं होगी वो तो बार बार कर्ज लेगा। किसान की सबसे पहली मांग है कि उसे कानूनी गारंटी के साथ अपनी फसल का वाजिब दाम मिले, फसल का उचित दाम मिले, और उचित का मतलब उसकी संपूर्ण लागत का 1.5 गुना, C2 जो कॉस्ट है, C2+50%, ये फॉर्मूला है स्वामीनाथन का, वो चाहिए। उसकी बात नहीं करती सरकारें, क्योंकि वो देने में तो दिक्कत होगी, वो तो हर साल देना पड़ेगा। उसकी बात नहीं करती सरकार, सरकारें कर्ज माफी की। और कर्ज माफी में भी किसान कहता है, किसान आंदोलन की तरफ से हमने जो बिल बनाया, हमने कहा ये एक किस्त में माफ, ये माफ, इतने लाख तक का माफ, उतने का नहीं, ये सब चक्कर छोड़ो, एक झटके में किसान का सारा कर्ज समाप्त हो, और सिर्फ बैंकों का कर्ज नहीं, साहूकार का कर्ज भी, प्राइवेट लोन जिसकी कोई बात नहीं करता, ज्यादातर किसान तो प्राइवेट लोन लेता है, प्राइवेट लोन को भी करो शामिल उसमें, और एक ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे आगे किसान कभी भी ऋण में नहीं डूबे। केरला ने डेट रिलीफ कमीशन बनाया 2006 में, देश में क्यों नहीं बन सकता, जहां जब भी किसान ऋण में डूबने की स्थिति में आए, कमीशन जाए उसकी समस्या का समाधान करे। तो मैं इतना ही कह रहा था कि किसान की बात ऊपर है और अब उसको टालने की, भटकाने की कोशिश हो रही है कि किसान को कर्ज माफी चाहिए, दे देंगे। फिर टीवी वाले कहते हैं नहीं नहीं, इससे तो देश का बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, क्या देश इतना एफोर्ड कर सकता है। ऐसी चर्चा कभी नहीं होती जब 7th पे कमीशन लागू होता है सरकारी कर्मचारियों के लिए, कोई नहीं पूछता कि क्या देश इतना पैसा एफोर्ड कर सकता है। जब लाखों करोड़ों रुपया बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को दे देते हैं तब चर्चा नहीं होती कि ये पैसा कैसे डूब गया। किसान के लोन की बात आते ही एकदम चर्चा शुरू होती है देश में कि अरे अरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी इससे। तो एक तरफ तो इस तरह से टरकाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान, 10% आरक्षण, ये सब भटकाने की कोशिश है ताकि सवाल यहां से उतर के कहीं और चला जाए। 30 साल के बाद किसान का चेहरा ऊपर उठा है, उस पर कोई पर्दा तो डालना पड़ेगा। तो अब अचानक इनको मंदिर याद आ गया है, सिटीजनशिप एक्ट देश का बदला जा रहा है। आप सब तो जानते ही होंगे, पहली बार देश के इतिहास में भारत की नागरिकता को हिंदू मुसलमान के आधार पर परिभाषित किया जा रहा है। रिलीजन के आधार पर हमारी नागरिकता का कानून बदला जा रहा है। 1955 का कानून यह बदला जा रहा है कि अगर आप विदेश से आओगे, अगर आप मुसलमान हो तो भारत के नागरिक नहीं बन पाओगे, अगर आप मुसलमान नहीं हो तो भारत के नागरिक बन सकते हो। यह कानून बन रहा है। यह क्या है? यह तो वही टू नेशन थ्योरी है जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू की थी। जिन्ना ने यह कहा था ना कि धर्म के आधार पर नागरिकता तय होगी। आज भारत में धर्म के आधार पर नागरिकता तय हो रही है। ये सब तरीके हैं ताकि इससे झगड़ा शुरू हो, झगड़ा शुरू हो तो फिर किसान किसे याद रहेगा, फिर तो दूसरी चीजें शुरू हो जाएंगी। ऐसे में हमारी क्या भूमिका हो, ऐसे में हमारा क्या काम हो, ये बात कह के अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। क्योंकि हमारा काम केवल विश्लेषण करना नहीं है, हमें तो दखल देनी है, हमें बदलाव करना है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हमें सुनिश्चित करना है कि किसान का सवाल जो आज ऊपर उठा है, बहुत समय बाद जो सही मुद्दा देश का सामने आया है, वो देश की आंखों से ओझल ना हो जाए। हमें सुनिश्चित करना है कि पहली बार इस देश में ऐसा चुनाव हो
जो कि खेती किसानी गांव के सवाल पर हो। आज तक कभी नहीं हुआ। बोफोर्स पे चुनाव हुआ, 2G पर चुनाव हुआ, मंदिर पे हुआ, मंडल पर हुआ, तमाम घोटालों पे हुआ, नसबंदी पे भी हुआ, इमरजेंसी पे हुआ, खेती किसान गांव पर आज तक कभी भी देश का लोकसभा चुनाव नहीं हुआ है। पर हम चाहते हैं कि इस बार हो, खेती किसान गांव के सवाल पे और साथ में बेरोजगारी के सवाल पे। आज देश के सबसे बड़े सवाल यही दो हैं। तो हमारा सिंपल नारा है, हिंदू ना मुसलमान, बस किसान नौजवान। यानी कि चुनाव हिंदू मुसलमान के सवाल पे नहीं हो, किसान और नौजवान इसके सवाल पर हो। और ये इसलिए क्योंकि अगर किसान और नौजवान के सवाल पर चुनाव होता है, जो कोई सत्ता में आए, देश दो कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हिंदू और मुसलमान की लड़ाई करके चुनाव होता है, तो कोई भी पार्टी जीते, भारत तो हार जाएगा। और हमें भारत की जीत तय करनी है। इसलिए स्वराज इंडिया की तरफ से हमने तय किया है कि बाकी दल अपनी अपनी टीम बनाएंगे। टीम बीजेपी होगी, टीम कांग्रेस होगी, टीम बीजेडी होगी, मगर कोई तो टीम इंडिया भी बनाएगा। हम वो टीम इंडिया बनाएंगे। इस चुनाव में हमारी भूमिका कुर्सी पे बैठने की नहीं है, हमारी भूमिका दरी बिछाने की है। स्वराज इंडिया की तरफ से हमने एक नया कैंपेन शुरू किया है, आई कैन, इंडियन सिटीजन्स एक्शन फॉर नेशन। आई कैन, मैं कुछ कर सकता हूं। आज हमारे देश में जो स्थिति है, चुनाव आते हैं और एक साधारण नागरिक बैठ के सिर्फ एक तमाशबीन की तरह, दर्शक की तरह देखता रहता है चुनाव। अच्छा ये आ गया, अच्छा वो पार्टी आ गई, अच्छा ये नेता यहां से वहां चला गया, अच्छा इन्होंने इतना भी, अच्छा इस गुंडे को भी टिकट मिल गया, देखते रहते हैं जैसे कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हो। हम कहते हैं ये क्रिकेट का मैच नहीं है, ये तो हमारे भविष्य का फैसला है। हम बैठ के इसे दर्शक की तरह नहीं देखेंगे, हम इसमें दखल देंगे। इसलिए आई कैन के तहत पूरे देश में हम नागरिकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, हम जुड़ेंगे, एक मंच बनाएंगे। और आपको स्वराज इंडिया पार्टी का सदस्य बनने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी का सदस्य बनने की जरूरत नहीं है, ये मंच खुला मंच है। इस मंच पे आके हम बस एक काम करेंगे कि हम इस चुनाव को सही मुद्दे पे रखेंगे, सही मुद्दे से उतरने नहीं देंगे इस चुनाव को। और अगर हजारों निस्वार्थ लोग मिलके ये काम करें, जिनका ये नहीं हो कि मेरा ये कैंडिडेट, मेरा चाचा, भांजा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, केवल देश के लिए हम देश के सही मुद्दे पे रखेंगे, तो ये ताकत होगी। और जब से हमने इस अभियान की शुरुआत की है, 3000 से अधिक वॉलंटियर इसमें जुड़ चुके हैं। कहा देश के कोने कोने से अपने आप अप्लाई करके, वेबसाइट पे करके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं देश के लिए समय देना चाहता हूँ। आज भी ऐसे लोग हैं। सो उनको लेके हम इस कैंपेन के दौरान सबसे पहले इन मुद्दों पर अपना ध्यान लगाएंगे, और उसके बाद कुछ थोड़े से कैंडिडेट, 5-10 कैंडिडेट, ज्यादा नहीं, ऐसे जो कि इन मुद्दों का प्रतिनिधित्व कर सकें, उसका चुनाव एक स्वतंत्र पैनल द्वारा किया जाएगा, स्वराज इंडिया के द्वारा नहीं। स्वराज इंडिया के कैंडिडेट नहीं होंगे, और उनके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये हमारी योजना है, और कुल मिला के प्रयास यही है कि ये लोकतंत्र का जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ में देश के पास एक सही विकल्प हो। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं इस चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं भी अपने पुनर्जन्म में काम किया करता था पिछले जन्म में, तो लोग मेरे से पिछले जन्म का काम पूछते हैं कि क्या होने वाला है। मैं कहता हूं प्रश्न आज ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे या नहीं, वो तो चुनाव हारेंगे। प्रश्न ये है कि क्या देश को केवल विरोध मिलेगा या कि विकल्प मिलेगा, क्या 1977, 78, 79 की कहानी दोहराई जाएगी, क्या नरेंद्र मोदी का विरोध करने के नाम पर विपक्षी दल केवल अपना पाप धो लेंगे। ममता बनर्जी दिल्ली में आके कहती है मैं लोकतंत्र को बचाऊंगी, आप उनके पड़ोसी हैं, आप जानते हैं उन्होंने बंगाल में लोकतंत्र को कैसे बचाया है।
बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने के बाद दिल्ली में आके कहती है मैं लोकतंत्र को बचाऊंगी। शरद पवार, मायावती जी, लालू प्रसाद यादव जी ये कहते हैं हम देश से भ्रष्टाचार हटाएंगे। आप देखिए क्या हो रहा है। जातिवाद की राजनीति करने वाले कहते हैं हम सांप्रदायिकता का मुकाबला करेंगे। तो आज इस महागठबंधन के नाम पे देश में विकल्प नहीं है। आज विरोध है लेकिन विकल्प नहीं है। ये सच्चा विकल्प तैयार हो, सही मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए और देश में एक नई दिशा आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और स्वराज इंडिया की तरफ से हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आज रायपुर में हमने इसी के बारे में अपील जारी की थी, कल भुवनेश्वर में होंगे, वहां भी कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, वहां भी यही अपील करेंगे। बरगढ़ में ये करने का इरादा तो नहीं था लेकिन आप सबने बुलाया, यहाँ बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। देश में चुनाव आने वाला है और पहली बार देश के इतिहास में ये संभावना बनी है कि लोकसभा का चुनाव गांव, खेती, किसान के मुद्दे पे लड़ा जाए और ऐसे में इसे भटकाने की कोशिश हो रही है। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं 10% आरक्षण, कभी कुछ, केवल लोन का सवाल, कर्ज माफी का सवाल। ऐसे में हमारी मान्यता है कि आज सबसे बड़ी जरूरत है कि चुनाव को सही मुद्दे पर रखा जाए। इसलिए हम कहते हैं हिंदू ना मुसलमान, बस किसान नौजवान। अगर किसान और नौजवान के सवाल पर चुनाव होता है जो भी पार्टी सत्ता में आए देश आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई करके से चुनाव होता है तो जो भी जीते भारत हारे। इसलिए आज सिर्फ पार्टियों की टीम नहीं, एक टीम इंडिया की जरूरत है और स्वराज इंडिया की तरफ से हमने ठाना है कि इस चुनाव में हम वो टीम इंडिया खड़ी करेंगे ताकि देश के सही मुद्दों को हम सामने ला सकें। आज देश में चुनाव है लेकिन चुनने को क्या है। जिस देश ने गांधी और पटेल देखे, नेहरू और आजाद देखे, वो देश आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से चुनने को कहा जा रहा है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। हमने आई कैन नामक एक अभियान शुरू किया है, इंडियन सिटीजंस एक्शन फॉर नेशन, यानी कि एक ऐसा अभियान जिसमें बिना किसी पार्टी से जुड़े, स्वराज इंडिया से जुड़ने की भी कोई जरूरत नहीं, नागरिक लोकतंत्र में दखल दे सकते हैं। आई कैन 19 को गूगल कीजिए, आपको एक फॉर्म मिलेगा, उससे वॉलंटियर बनिए। हजारों लोग वॉलंटियर बन चुके हैं और मिलके हम सब लोग चुनाव में सही मुद्दों को उठाएंगे, कुछ चंद कैंडिडेट को चुनके उनके लिए प्रचार करेंगे ताकि केवल विरोध में न चला जाए चुनाव, देश में दीर्घकालिक विकल्प की बुनियाद भी तैयार हो सके। ओडिशा राजनीति को कैसे देखते हैं आप? 10 साल हो गया नवीन पटनायक शासन में, क्या? मेरे लिए नवीन पटनायक जी का मुख्यमंत्री बने रहना एक बहुत बड़ा अजूबा। सच कहूं तो मैं पूरी तरह से इसे समझ नहीं पाया। उनके समर्थक कहते हैं कि वो इतने लंबे समय से शासन इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत गजब का सुशासन दिया। मुझे तो वो सुशासन दिखाई नहीं दिया, मुझे तो उसके परिणाम दिखाई नहीं दिए। मुझे तो नहीं पता लगता कि उड़ीसा में गरीबी समाप्त हो गई हो, उड़ीसा बेहतर हो गया हो, खुशहाल हो गया हो। मुझे लगता है कि इसका प्रमुख कारण एक तो विपक्षी दलों का निकम्मापन और दूसरा नवीन पटनायक जी और उनके सहयोगी जो हर 2-4 साल में बदलते रहते हैं, उन सहयोगियों का पॉलिटिकल मैनेजमेंट और इमेज मैनेजमेंट। दुर्भाग्यवश उड़ीसा में आज भी जन जागृति का स्तर ऐसा है कि जनता अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछती, उनसे जवाब नहीं मांगती, लेकिन धीरे धीरे जमाना बदलेगा और उड़ीसा में भी अब जवाब मांगा जाएगा। उड़ीसा के इस छोटे से इलाके को छोड़ के जहां हम हैं, बाकी सब इलाकों में तो किसान की हालत बहुत खराब है। किसान को फसल का दाम नहीं मिलता, यहाँ पे भी कर्ज में डूबा है किसान, तो पूरे देश की किसान की जो त्रासदी है उसी का एक हिस्सा है उड़ीसा का किसान। और इसलिए अगर नवीन बाबू ने इतना ही शानदार राज किया होता तो आज उड़ीसा के किसान की हालत थोड़ी होती। इसलिए पूरे देश के किसान को संगठित होने की जरूरत है, उड़ीसा का किसान
पिछले 1.5 साल से इस संघर्ष में शामिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ओडिशा का किसान इस संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाएगा। नुआ खबर मैंने पाइबार लगी आमर कौशल खबर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी बेल बटन दबाऊ।